तो गाइस नेटफ्लिक्स पे एक शो आने वाला है, एक वेब सीरीज आने वाली है हीरा मंडी, जिसको डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने, जिसमें हमें देखने मिलने वाला है कि आजादी के पहले वाली कहानी होने वाली है, जिसमें हमें पाकिस्तान के लाहौर की कहानी देखने मिलने वाली है, जो वहां की तयाफो आपको भी मेरी तरह तयाफो का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, तयाफो का मतलब जो वेश्याज होती थी, सक्सेसफुल वेश्या जो मुंजरा करती थी, जो भी तुम बोलो, वो उनकी कहानी बताने वाली है कि उसमें मतलब उनका मतलब क्या रोल था आजादी के समय पे, उन्होंने क्या योगदान दिया था, कि मतलब वही सब उनकी कहानी बताने वाली है। तो इसके अंदर हमें मतलब बहुत सारे एक्टर्स देखने मिलने वाली है, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, आदिति राव, हैदरी, रिचा चड्डा, संजीदा शेख, शर्मिन सेगल, फरीदीन खान, अदायन सुमन, और इसके अलावा शेखर सुमन भी देखने मिलने वाले हैं। मतलब फरीद खान भी बहुत समय बाद हमें इसके अंदर देखने मिलने वाले हैं। अगर बात करूं सिनेमाटोग्राफी की तो मतलब भाई सिनेमाटोग्राफी एक नंबर है, मतलब आजादी के पहले वाले मतलब जो 19 की स्टोरी दिखा रहे, मतलब उस हिसाब से सिनेमाटोग्राफी भी एक नंबर है। अगर बात करूं इसके सेट्स की, मतलब संजय लीला भंसाली की मूवी के सेट्स मतलब ग्रैंड लेवल पे होते, मतलब अच्छे, इतने मतलब बड़े बड़े महल, जो मुगलों वाले महल दिखाए, जो देखने में मतलब मजा आ रहा है। बेसिकली मतलब हमें ये मूवी में देखने मिलने वाला है मतलब जो वेश्या, मतलब उस समय की वेश्या जो आजादी में उनका भी क्या योगदान था, वही सब इसमें देखने मिलेगा। मतलब बेसिकली तुम बोल सकते हो कि मुंजरा मुंजरा सब देखने मिलेगा, वो सब भी देखने मिलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर से, क्योंकि 16 प्लस है, काश 18 प्लस होता। ओवरऑल ट्रेलर तो देखने में एक नंबर लग रहा है, अब तो वेब सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा कि कहानी कैसी है, क्या है। तो आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।